पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जंग का अखाड़ा बना हुआ है। संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के नेताओं ने उनका यौन शोषण किया है। महिलाओं के आरोपों के बाद पुलिस एक्शन में तो है, मगर सियासत उससे ज्यादा है। आज महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची और पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। दूसरी तरफ आज तक संवाददाता श्वेता सिंह भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और महिलाओं का दर्द साझा किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे महिलाओं पर संदेश खाली में जुल्म हुए। संदेश खाली पर संग्राम जारी है। जारी है अन्याय के विरुद्ध महिलाओं का विद्रोह और इसके साथ ही जारी है सियासत। ये वकीलों का विरोध प्रदर्शन है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। संदेश खाली को लेकर तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। तो यहाँ पर जो वकील हैं, जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सीपीएम से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर कांग्रेस और सीपीएम से जो जुड़े हुए वकील हैं, वो भी कोलकाता हाईकोर्ट में इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो हाथ में आप देख सकते हैं कि प्ले कार्ड लिए हुए हैं और संदेश खाली में जो घटना हुई है उसको शर्मनाक बताते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संदेश खाली में महिलाओं पर किस कदर जुल्म हुआ है, उसकी कहानी खुद महिलाओं से सुनिए। ये पूरा गांव अगर हम देखें तो सब वोट तृणमूल कांग्रेस को ही देते हैं, लेकिन त्रासदी ये है कि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो भी तृणमूल के नेताओं पर ही लगा रहे हैं। और अब उम्मीद है इन्हें कि शायद इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उन पर कार्रवाई होने की शुरुआत भी हो गई है। दहशत ऐसी है कि वो अपने कपड़ों को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे रंग के कपड़ों से खुद को ढक लें। यहाँ पर अपना शते की हुई थी, वो मुझे बुलाते थे और पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते थे, हमें बैठने को कहते थे और कहते थे कि हम अभी घर नहीं जा सकते, यहीं खाना बनाओ और खाओ। ये सब करने के बाद भी हमें कहते थे कि यहाँ से जा नहीं सकते। मैं कहती थी कि घर पर खाना बनाना है, बच्चे हैं, घर पर कोई भी आ सकता है, पति के लिए खाना बनाना है, लेकिन वो कहते थे कि हमें समझना नहीं है। हम लोगों के लिए सेक्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, हमें बोलते थे कि 200, 400, 500 महिलाओं को लाओ पार्टी मीटिंग में, बकवास किया करते थे, बोलते थे कि हमारा मनोरंजन करना होगा और नहीं करने पर बोलते थे कि तुम लोगों को छोड़ो। सोचिए कितना भयावह मंजर होता होगा कि महिलाओं को जबरन टीएमसी दफ्तर में बिठाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि पुलिस भी कुछ नहीं करती थी, बल्कि पुलिस आरोपियों की ही मदद करती थी। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। शिबू हाजरा के साथ ही पुलिस रहती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो आते थे, हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे, अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। मतलब देर रात में पार्टी ऑफिस पे आने के लिए बोलता था। हाँ, पार्टी ऑफिस नहीं जाते थे तो बाइक पर ले जाने के लिए लोगों को भेज देते थे। बचने के लिए फिर क्या करते थे, कैसे क्या करते, मनोरंजन करना पड़ता था तब घर वापस आते थे, कोई दूसरा रास्ता नहीं। नहीं, ये आरोप बढ़ चढ़कर लगाया गया कि ये लोग आम लोग नहीं है यहाँ के, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता हैं। पर क्या वाकई ऐसा है, ये जानने के लिए हम गांव के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। ये जो है वो आदिवासी बस्ती का इलाका है और आदिवासी। हाँ, हम लोग यहाँ सभी आदिवासी है। इन्होंने की हुए यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती करता था, जो मीटिंग में नहीं जाते थे उसके साथ मारपीट करता, टोटो भेजकर, गाड़ी भेजकर लेकर जाता था, जो महिला नहीं जाती थी उसे जबरदस्ती ले जाया करता था। यहाँ पर ये जो पूरा काम है इसके लिए सरकार का पैसा लगा है, किसका पैसा? हम लोग तो यही जानते हैं कि ये जो तालाब देख रहे हैं उसके लिए सरकार पैसा देती है, पंचायत पैसा देती है काम कराने के लिए, लेकिन यहाँ जिसको जिम्मेदारी दी गई है शिबू हाजरा, वो पैसा नहीं देता था, वही काम यहाँ पर करता था। जो गांव के लोग हैं उनके पास जॉब कार्ड है, लेकिन उनको भी पैसा नहीं देता। हैरानी इस बात की है कि जिन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, जिस तरह से उन पर जुल्म हुआ, वो सब टीएमसी समर्थक हैं, ममता बनर्जी को ही वोट देती हैं, बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सब टीएमसी समर्थक? हाँ, यहाँ पर कोई दूसरा दल नहीं है, हम लोग सब टीएमसी के समर्थक हैं। पर अभी दीदी मदद कर रही है, सहायता अभी, हाँ, जब अब बता रहे हैं ये सब बात, तो सब दीदी की तरफ से आप लोग चाहती हैं कि दीदी यहाँ पर आए?
हाँ, वो यहाँ पर आकर देखें कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं। उनका दायित्व है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति बनी रहे। ये जो मार दंगा चल रहा है, जो धारा 144 है, वो सब हट जाए। हम लोग गरीब लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। शिबू हजारा और शाहजहां शेख का खौफ यहाँ लोगों में किस कदर भरा हुआ है वो सुनिए। यहाँ तो उसका आतंक है, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। शिवू और उत्तम गिरफ्तार होगा तभी कुछ होगा। शाहजहां तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, किंतु सब जानते हैं कि वो यहीं कहीं घूम रहा है। संदेश खाली में ही कहीं घूम रहा है। बोल रहे थे कि शाहजहां की गाड़ी यहाँ गांव भी आई थी। अभी जो आप लोग पहले कभी बोले ये बात किसी को कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, हमारे साथ पैसा ले रहा है, मीटिंग में आने के लिए बोलता है? यहाँ सब जानते हैं थाने जाने से कोई फायदा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। थाना मदद नहीं, थाना पुलिस कोई मदद नहीं, नहीं करता। अभी आप लोग अपना चेहरा ढक के बोल रहे हैं, डर है? हाँ डर है। ममता बनर्जी इस गुहार को नहीं सुन पा रही हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंच चुकी है। महिला आयोग का भी यही मानना है कि पुलिस लोगों की मदद नहीं कर रही है, मगर टीएमसी लगातार आरोपों को नकार रही है। महिला कमीशन की तरफ से रेखा शर्मा जी से कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में बीएसएफ की गाफिलती के वजह से और गैर जिम्मेदारी के वजह से 4 बच्चे मारे गए, तो उन 4 बच्चे के जो माँ हैं, उन माओं को भी याद रखिएगा, उनके आंसू को भी आपको पोंछना है। अर्थात आपको चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर जाना चाहिए, ये हमारा भी सुझाव है। आप देखिए, एक तो आई ना, अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी, अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं, ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। रेखा शर्मा पीड़ित महिलाओं से मिल रही हैं और सारी जानकारी ले रही हैं। जिन महिलाओं से रेखा शर्मा ने बात की उनकी जुबानी सुनी। और रेखा शर्मा यहाँ पहुंच चुकी है, पहुंचने के बाद हर एक घर में जाके महिलाओं के साथ बातें की जा रही है, उन लोगों के साथ उन लोगों का बयान रिकॉर्ड की जा रही है जिन लोग अभी तक सेक्सुअल असल्ट का आरोप की है। हमारे जो अभियोग সন্দেশখালী বাসীর পক্ষ থেকে ওনার হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা যেভাবে নির্যাতিত, যেভাবে অত্যাচারিত। ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार हो रहे सवालों पर आखिरकार ममता बनर्जी ने एक दिन पहले चुप्पी तोड़ी। ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাটা ঘটনা হয়েছে। প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের, যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে, এবং যদি কেউ মনে করে কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে সবটাই ফেরত দেওয়া হবে, এটাও মাথা রাখবেন। আমি যখন বলি আমি তখন সেটা করি, কারণ কোনো মহিলা আজ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি। আমি পুলিশকে বলেছি সুমোটো কেস করো। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টও অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, এমনকি আরাবুল ভাঙ্গরে, ও তো আমাদের কর্মী, ও তো অ্যারেস্ট হয়ে আছে। তোমরা কতজনকে অ্যারেস্ট করেছো? আমি কি পারি না করতে? ममता बनर्जी पर संगीन इल्जाम है कि उनकी पनाह में पश्चिम बंगाल के भीतर न जाने कितने संदेश खाली छिपे हुए हैं। हालांकि बात अब बहुत दूर तक निकल चुकी है। ऐसे में बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ितों से मिलने जब निकला तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, लेकिन हद तो तब हो गई कि सत्ताधारी पार्टी के नेता एक दिन पहले पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। हालात बेहद नाजुक दिखे तो टीएमसी के नेता भरोसा दिला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहेगी और जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई होगी तो कब और कहां है शाहजहां शेख? संदेश खाली से श्वेता सिंह और राजेश साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। संदेश खाली पर सियासी कोहराम मचा है। बंगाल पुलिस प्रशासन ने बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी नेता हाईकोर्ट से संदेश खाली जाने का आदेश लेकर आ गए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी संदेश खाली के जंगल राज को छिपाने की कोशिश में है, इसीलिए बीजेपी नेताओं को वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा।
दूसरी ओर माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी संदेशखाली जा सकते हैं। सियासी संग्राम अपने चरम पर है और बीजेपी टीएमसी सरकार पर हमलावर है। संदेश खाली में हलचल तेज है। बंगाल के गवर्नर खुद संदेश खाली पहुंचे हालात जानने और कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन इन सब के बीच सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी बार बार लगातार आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी के राज में महिलाओं पर भयानक अत्याचार हो रहा है। Actually, we mean BJP never focusing that, you know, fabricated sense. They are wanted to make it fabricated because, you know, colonial people are saying that they are sufferer, they are tortured by the TMC cadre, and that is real happen in that place. That's why the civil administration and police administration, they are wanted to hide it. No, they are not allowing to go anybody in that place because Congress also wanted to go there and they are somebody, you know, hindered by the police. BJP कह रही है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बंगाल में जंगल राज है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं को रात को उठा लिया जाता है, दिन में उठा लिया जाता है, दो तीन दिन उनका शोषण करते हैं, शोषण के बाद छोड़ते हैं, जो गरीबों की योजना है वो योजनाओं के बदले में बलात्कार जैसे घृणित कार्य कर रहे हैं और वो व्यक्ति आजाद घूम रहा है, उसकी सरकार वहाँ पे उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसको बचाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जंगल राज के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी विकास के कार्यों में खर्च होने वाले पैसे से गुंडों की फौज तैयार कर रही है जो बंगाल में अपराध को अंजाम देते हैं। ममता जी का और उनकी पुलिस का संरक्षण में है, गिरफ्तार नहीं होगा। चुनाव के लिए शाहजहान का जरूरत है, शाहजहान रहेगा तो बसीराट बारासत सीट ये लोग जीतेगा, वो लूट करेगा वोट। पिछले चार पांच इलेक्शन लूट किया, वो सीपीएम का आदमी था, सीपीएम का वोट लूट करता था। 2013 में सीपीएम छोड़ के यहाँ आया, लूट करना शुरू कर दिया, एक सेम स्टाइल। बता दें कि दो दिन पहले बीजेपी के नेता संदेश खाली जाना चाहते थे, मगर पुलिस प्रशासन ने बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया था। बीजेपी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई, जहां आदेश हुआ कि बीजेपी नेता संदेश खाली जा सकते हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी नेता संदेश खाली जाने के लिए तैयार है। सुबह 9 बजे मैं और मेरा 3-4 साथी MLA निकल के एरिया में जाने का लिए जाऊंगा, 11 बजे पहुंच जाऊंगा। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी आपको लग रहा है कि प्रशासन आपको जाने देगा वहाँ? हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी क्या आपको लग रहा है प्रशासन वहां जाने देगा या कोई? हमारी देश में तो हायर जुडिशियरी सबसे ऊपर होता है। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह कहकर हलचल मचा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संदेश खाली जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल प्रोग्राम तो प्रधानमंत्री जी का ऑफिस से ही होगा, लेकिन हम लोग का तैयारी चल रहा है, नॉर्थ 24 परगना में भी होने का बात है और प्रधानमंत्री जी बंगाल का जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति, उनका साथ बात करना चाहता है। जो इनिशियल हमारी जानकारी है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहा है, फाइनल जब आएगा तब होगा। इस पूरे मामले में पार्टियों की राजनीति अपनी तरफ, लेकिन पीड़ित महिलाओं के जितने गंभीर आरोप हैं वो वहां पर हो रही बर्बरता को साफ साफ उजागर करता है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कड़ी और बड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जिनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप महिलाओं की ओर से लगाए गए हैं। इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।